ओके तो आज हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम रिकर्सिव डिसेंट और जनरल रिकर्सिव डिसेंट का एक एल्गोरिदम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रिडिक्टिव पार्सिंग जो है वो रिकर्सिव डिसेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या होता है कि इस एल्गोरिदम की वजह से हम ऐसी सलाहियत बना लेते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली कौन सी प्रोडक्शंस को हमने इस्तेमाल करना है। तो ये किस बेस के ऊपर होता है, हम अगले जो इनपुट के कुछ टोकन्स हैं उनको देखते हैं, और इसके अलावा हमारे पास इस एल्गोरिथम के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अगले इनपुट टोकन्स को हम देख सकते हैं, जिसको हम लुक अहेड कहते हैं। लेकिन साथ में इसका फिर नुकसान क्या होगा कि ये सारी की सारी ग्रामर्स जो सी एफ जीज हम लिखते हैं उनके लिए नहीं चलेगा, बल्कि सी एफ जीज की भी एक रिस्ट्रिक्टेड जो क्लास होगी उसके लिए ये चला करेगा एल्गोरिथम। तो दूसरी इसकी फीचर क्या है या इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इसके अंदर बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं होती। रिकर्सिव डिसेंट के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे बैक ट्रैकिंग अलाउड थी, और वो इसलिए था कि हर जो हमारा ट्री था उसके अंदर हर नोड के ऊपर अगर एक से ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल थी तो हम उनको चला कर देख सकते थे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट उसको ट्रेवर्स करते थे। तो अगर कोई मूव सही से नहीं चल सकती थी या जिसका जिसकी वजह से हमें अगला जो इनपुट टोकन है वो सही तरीके से स्ट्रिंग के अंदर सही मैच नहीं होता था, तो फिर हम बैक ट्रैकिंग भी कर सकते थे अपनी सही मूव को तलाश करने के लिए। तो प्रिडिक्टिव पार्सर को जनरली कहा जाता है कि ये LLK की जो क्लास ऑफ ग्रामर्स है उसको एक्सेप्ट करता है। तो LLK से यहाँ पे क्या मुराद है, पहला जो L है उसका मतलब है कि ये लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा। तो लेफ्ट टू राइट स्कैन तो हम रिकर्सिव डिसेंट में और जनरल रिकर्सिव डिसेंट में भी करते थे, और उसी तरीके से अगला जो दूसरे नंबर पे L आ रहा है उसका मतलब है कि सेकंड जो सॉरी जो लेफ्ट मोस्ट प्रोडक्शन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और K का मतलब है कि कितने टोकन्स को हम आगे देख सकते हैं, लुक अहेड कर सकते हैं। तो थोरेटिकली तो के कोई कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस कंपाइलर्स के अंदर हम के इक्वल टू वन के लिए एल्गोरिथम जो है वो लिखा करते हैं। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि रिकर्सिव पार्सिंग में, जो कि रिकर्सिव डिसेंट के तरीके से की जाती है, हर स्टेप के ऊपर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्शंस की चॉइस होती है, जिनमें से हम किसी को एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम बैक ट्रैकिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी कोई बैड चॉइसेस हैं उनको हम उनके इफ़ेक्ट को हम अनडू कर सकते हैं। और लेकिन जो LL1 पार्सर होगा, जिस भी जिस जिस जैसे जिस जैसे जैसे कि हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि हर स्टेप के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक चॉइस होगी, जो जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी पार्सिंग के अमल को पूरा कर सकेंगे। तो अब आप ज़रा इस ग्रामर को रिकॉल करें, इसको हमने रिकर्सिव डिसेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया था। अब वहाँ पे तो हमने कहा था कि जो लेफ्ट मोस्ट जो भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल ट्री के अंदर आ रहा होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, टॉप से राइट टॉप से डाउन जाएंगे और लेफ्ट से राइट वाला ट्रेवर्सल इस्तेमाल करेंगे ट्री के अंदर। लेकिन अब क्योंकि हमने इस तरह का ट्रेवर्सल नहीं करना बल्कि हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि अगर हम हमारे पास दो प्रोडक्शंस अगर इस ग्रामर को कर देंगे तो उसके अंदर हमारे पास ई जो है एक स्टार्ट सिंबल है, और इसको हम रीराइट कर सकते हैं इन दो रूल्स की फॉर्म में। तो इस पहला जो रूल लेफ्ट साइड पे इस और साइन से पहले आ रहा है, उसके अंदर भी लेफ्ट मोस्ट जो सिंबल हमें नज़र आ रहा है वो टी है, और अगर आप दूसरी प्रोडक्शन देखें तो इसके अंदर जो सिंबल है लेफ्ट मोस्ट सिंबल वो भी टी का सिंबल है। तो इस वजह से अब ये अगर इस ग्रामर को हम लेकर चलेंगे तो दिस विल बी वी विल हैव टू मेक अ चॉइस, बट अगर हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग की बात करें तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि फिर उस केस में जो पार्सर हम लिखेंगे वो कंफ्यूज हो सकता है कि इन दोनों में से लेफ्ट मोस्ट दोनों में टी है पहला, तो हम कौन से टी को लेकर चलेंगे। इसी तरीके से अगर आप इस दूसरे रूल को देखें जिसमें हम टी को रीराइट कर सकते हैं इंट के साथ या इंट स्टार टी के साथ या ओपनिंग पैरेंथेसिस ई और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो पहली दोनों जो प्रोडक्शंस हैं वहाँ पे जो पहला सिंबल या लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो आ रहा है वो इंट है। तो अब इस केस में भी पार्सर को
ये आइडेंटिफाई करना कि इस इंट वाले प्रोडक्शन को इस्तेमाल करे या इस दूसरे इंट स्टार टी वाले प्रोडक्शन को इस्तेमाल करे, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग। तो इस केस में प्रिडिक्शन का अमल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टी की केस में भी दो प्रोडक्शन जो हैं वो इंट से स्टार्ट हो रही हैं और ई के केस में भी दो प्रोडक्शन जो हैं वो टी से स्टार्ट हो रही हैं। सो जो प्रिडिक्शन की जो कैपेबिलिटी हम अपने पार्सर के अंदर लेकर आना चाहते हैं वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए फिर हमें इस ग्रामर को, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ ग्रामर्स के ऊपर काम करेगी। तो अगर ग्रामर इस तरीके से लिखी गई है जैसे कि आपको स्लाइड के ऊपर नज़र आ रही है, तो फिर इसको प्रिडिक्टिव पार्सिंग के लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस ग्रामर को ठीक करने की ज़रूरत है, और वो हम किस तरीके से करेंगे, उस अमल का नाम है लेफ्ट फैक्टरिंग करना। अभी तो फिर क्या है कि हम इस ग्रामर की लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या यही वाली सिचुएशन दोबारा से क्रिएट होती है या नहीं होती। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे किसी सीएफजी की रीफैक्टरिंग की जा सकती है। तो इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं हम वही वाली प्रोडक्शन दोबारा हमारे सामने है कि ई कैन बी री रिटन एज टी प्लस ई, और ई को हम रीराइट कर सकते हैं सिर्फ टी के साथ। इसी तरीके से टी को हम रीराइट कर सकते हैं इंट में, और इसी तरीके से हम टी की के लिए एक और रीराइट का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कह रहे हैं इंट स्टार टी है। इसी तरीके से तीसरा जो रूल है वो ओपनिंग पैरेंट और ई और क्लोजिंग पैरेंट के साथ बनता है। तो अब रीफैक्टरिंग या लेफ्ट रीफैक्टरिंग से क्या मुराद है? तो पहले नंबर पर अगर आप देखें कि इस ग्रामर का जो पहला जो प्रोडक्शन है ई वाली जो है उनके अंदर आप देखें कि दोनों प्रोडक्शन के अंदर जो कॉमन सिंबल आ रहा है वो टी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस टी वाली जो कॉमन प्रोडक्शन है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया कि टी, और जो नॉन कॉमन प्रोडक्शन थी उसको हम कह रहे हैं कि एक्स है। तो अब क्या करेंगे हमें, क्योंकि एक एक्स एक ऐसा सिंबल आया है जो पहले मौजूद नहीं था, और हम इसकी वजह से इस पहले जो हमारे रूल्स थे ई वाले स्टार सिंबल्स ई से टी प्लस ई पे और टी के ऊपर जो जा रहे थे, हम उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। और वो हम किस तरह से करेंगे, कॉमन को हमने टी में लिख लिया और बाकी का रिमेनिंग जो हम एक्स कह रहे हैं। अब एक्स के साथ कौन सा रूल बनेगा, वो रूल ये बनेगा कि टी तो यहाँ से कॉमन निकल गया था, तो बाकी का जो है वो प्लस ई बचा था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसी तरीके से इधर से टी हमारे से पास से निकल गया था तो बाकी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसको हम ग्रामर की ज़ुबान में हम कहेंगे कि इसको हम एप्सिलॉन से या नल स्ट्रिंग से इसको मैच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरी जो प्रोडक्शन है टी के लिए जिसमें इंट और इंट स्टार टी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्रोडक्शन के अंदर इंट कॉमन है, तो इंट को हमने कॉमन लिख लिया और बाकी को हम मैप कर रहे हैं कि ये वाई के साथ हम इसका प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने वाई का एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो राइट मोस्ट जो प्रोडक्शन थी वो ओपनिंग पैरेंथेसिस और ई और क्लोजिंग पैरेंथेसिस वाली, उसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब वाई बेसिकली क्या था कि वाई के अंदर ये इंट वाला पोर्शन और इंट स्टार टी वाला था, तो स्टार टी तो दोनों के अंदर कॉमन नहीं था, उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया, और इंट जब यहाँ से कॉमन निकला तो इसका मतलब बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उसको अगेन हम एक नल स्ट्रिंग के साथ इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि हम इस प्रोडक्शन को जो हमने जब कभी कंज्यूम करना होगा, कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा, तो फिर एप्सिलॉन की प्रोडक्शन लेकर हम कहेंगे कि वाई कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो प्रिडिक्टिव पार्सिंग के लिए हम एक लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास एक टेबल होगा जिसको हम कहते हैं कि LL1 पार्सिंग टेबल, जैसे कि आपको इस स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस टेबल के कुछ हिस्से हैं, आपको एक लेफ्ट मोस्ट कॉलम इधर नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको कुछ नॉन टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से आपको एक टॉप के ऊपर एक रो है जिसके अंदर कुछ सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली होगा कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर जो भी कोई अगला टोकन होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेगा कि इनपुट स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंट आ रहा है, स्टार आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही है, राइट पैरेंथेसिस आ रही है, और डॉलर साइन एक हमने एक स्पेशल सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है जिसका मतलब होगा कि हमारी इनपुट स्ट्रीम जो है वो ख़त्म हो गई है या ये एंड ऑफ द इनपुट स्ट्रीम को मार्क कर रहा होगा। और ये बेसिकली जो सेल्स हैं कि इस टेबल के अंदर,
ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टी वाले नॉन टर्मिनल के ऊपर हूँ और मैं प्लस सिंबल को रीड करता हूँ, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से जो सेल आ रहा है वो बेसिकली मुझे बताएगा कि मैं कौन सी मूव ले सकता हूँ। जैसे अब इस वक्त हम एक खाली सेल के ऊपर हैं, तो खाली सेल का मतलब होगा कि इन दोनों के लिए मेरे पास कोई मूव अवेलेबल नहीं है और मैं एक एरर की स्टेट के ऊपर हूँ। इसी तरीके से अगर मैं मिसाल के तौर पे ई नॉन टर्मिनल को रीड कर रहा हूँ और मेरे पास इनपुट टोकन जो है वो इंट है, तो मैं फिर टी एक्स वाली जो है वो एक्शन ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर इसका मतलब है कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं ई को रीड करता हूँ, ई नॉन टर्मिनल के लिए मेरे पास इनपुट टोकन जो अगला है वो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो अगेन मैं टी एक्स को टी एक्स वाली प्रोडक्शन है उनको इस्तेमाल करूँगा। अब उसी तरह से पार्सिंग टेबल को इस्तेमाल करने की चंद एक और एग्जाम्पल्स हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक एंट्री ऐसे हो कि ई के साथ इंट मौजूद है, इसका मतलब क्या है कि करंट जो नॉन टर्मिनल है वो हमारे पास ई है और इनपुट का जो नेक्स्ट टोकन है वो इंट है, तो फिर हम कौन सा प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? ई से टी एक्स वाली जो प्रोडक्शन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो पार्सिंग का टेबल है वो किस तरीके से हेल्प करेगा, हम इसके इधर कॉलम्स के अंदर देखेंगे कि ई कहाँ पे मौजूद है और इसका जो टॉप मोस्ट रो है उसके अंदर हम देखेंगे कि इंट कहाँ पे मौजूद है। तो उसके नीचे जो सेल हमारे पास आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला सेल बनता है, तो हम इस टी एक्स की वैल्यू को यहाँ से पिक करेंगे और इसको हम अपने पार्सिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल नोट करें कि मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक एंट्री वाई प्लस वाली है, तो इसका मतलब है कि करंट जो हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल है वो वाई है और अगला जो इनपुट का टोकन है वो प्लस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम वाई से एप्सिलॉन वाली जो ट्रांजिशन हैं या प्रोडक्शन हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें कैसे मालूम होगा? हम अपने पार्सिंग टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वाई को तलाश करेंगे और टॉप रो के अंदर से हम प्लस को तलाश करेंगे। तो इन दो रोज़ की इंटरसेक्शन से जो सेल हमारे पास आ रहा है वो ये बता रहा है कि हम एप्सिलॉन वाले मूव को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वाई को इधर से ख़त्म कर सकते हैं जो जहाँ जिस भी स्ट्रिंग के अंदर ये मौजूद होगा। तो एक और एग्जांपल देखें। अब इस केस में हमारे पास जो एंट्री है वो मुश्तमिल है ई और स्टार के ऊपर। अब अगर हम अपने लेफ्ट मोस्ट कॉलम को देखें तो ई टॉप के ऊपर मौजूद है और स्टार जो टॉप मोस्ट रो के अंदर वो इधर मौजूद है। अब इस रो और कॉलम की जो इंटरसेक्शन वाला सेल बनता है वो ये वाला बनता है, तो यहाँ पे इसका कोई एंट्री मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि हम स्टार वाली स्ट्रिंग जनरेट करें बाय जस्ट रीडिंग दिस नॉन टर्मिनल ई। तो अब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम के लिए। उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल सिंबल कौन सा है और उसके साथ में हम देखेंगे कि हमारा अगला इनपुट का टोकन कौन सा है। फिर हम अपने पार्सिंग टेबल के अंदर तलाश करेंगे जाके कि एस ए वाले इंटरसेक्शन के ऊपर हमारी कौन सी एंट्री, तो उस प्रोडक्शन को हम फिर इस्तेमाल किया करेंगे। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो एक स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर है। और फ्रंटियर ऑफ द पार्स ट्री से क्या मुराद है कि जो हम साथ में एक पार्स ट्री बना रहे हैं उसके जो लीफ नोड्स हैं और उनमें से फिर जो अनप्रोसेस्ड होंगे जिनके लिए अभी तक हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं की हमारे एल्गोरिथम ने, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरा पार्स ट्री जो है वो इस किस्म का है कि इसके रूट नोड पे ई है और इसकी ब्रांचेस में मिसाल के तौर पे टी और एक्स पड़े हुए हैं और फर्दर टी की जो लीफ नोड्स हैं उनके अंदर लेट से एक हमारे पास इंट मौजूद है और दूसरा जो है हमारे पास वाई मौजूद है, तो इस वक्त इसका फ्रंटियर कौन सा बनता है? लेट से हमने कहा कि अभी तक हमने इसके कोई भी लीफ नोड अगर प्रोसेस नहीं किया तो इसके लीफ नोड्स के अंदर इंट वाई और एक्स पड़ा हुआ है। तो स्टैक के फ्रंटियर ऑफ द पार्स ट्री को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब होगा कि उसके स्टैक के ऊपर इस वक्त हमें ये वाले वैल्यूज जो हैं इंट वाई और एक्स की वो हमें मिलेंगी। अब पॉसिबिलिटीज तीन हो सकती हैं कि इस स्टैक के अंदर किस तरह की चीज़ें होंगी। तो उसके अंदर नॉन टर्मिनल्स भी आ सकते हैं जिनको अभी तक हमने
एक्सपेंड नहीं किया, जिनके लिए हमने कोई प्रोडक्शन इस्तेमाल नहीं की। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ टर्मिनल्स भी आ सकते हैं जिनको अभी हमने किसी इनपुट टोकन के अगेंस्ट मैच नहीं किया और वो अनकंज्यूम पड़े हैं इस वक्त। और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या पड़ा होगा, टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर लेफ्ट मोस्ट पेंडिंग टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल होगा। तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे जो हमारी पार्सिंग को कंक्लूड करने में हमारी हेल्प करेंगे। और कब हम कहेंगे कोई स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई या हम किसी एरर स्टेट के ऊपर पहुंच गए या कब कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारी जो पार्सिंग हो रही है उसके मुताबिक, तो उसके दो तरीकाकार हैं। तो एक्सेप्ट उस वक्त होगी जब हम एंड ऑफ द इनपुट पे पहुंच जाएँ, मतलब इनपुट टोकन की जो इनपुट थी उसके एंड तक पहुंच जाएँ और हमारा स्टैक भी एम्प्टी हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये वाली जो स्ट्रिंग है इस पार्सिंग में एक्सेप्ट होगी। और अगर ऐसा नहीं होता और हम किसी एरर स्टेट के अंदर चले जाते हैं कि टेबल के अंदर हमें ऐसे सेल के ऊपर चले गए जहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, और तब हम कहेंगे कि ये वाली जो स्ट्रिंग है इस पार्सिंग के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी और उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हम अपना जो प्रिडिक्टिव पार्सिंग का एल्गोरिथम है उसका एक स्केच देखते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम एक स्टैक को इनिशियलाइज कराएंगे सबसे पहले, जो इसके अंदर एक स्टार सिंबल आ रहा होगा और उसके अंदर एक डॉलर साइन होगा। डॉलर साइन बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये एंड ऑफ द स्टैक को भी रिप्रेजेंट करता है और ये एंड ऑफ द इनपुट जो सिंबल्स हैं, इनपुट सिंबल्स की जो टोकन है, एंड ऑफ द इनपुट टोकन्स की जो स्ट्रीम है उसको एंड को भी ये मार्क करेगा। और यहाँ पे एक नेक्स्ट का जो वेरिएबल है ये बेसिकली बता रहा है कि अगला जो हमारा इनपुट टोकन होगा वो क्या होगा। बेसिकली ये एक तरह का पॉइंटर है जो बता रहा है कि इनपुट टोकन्स में हम इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो उसके बाद हम ये एक रिपीट अनटिल का एक लूप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये जो बेसिकली आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम कह रहे हैं एक्स है और रेस्ट है। तो बेसिकली स्टैक की स्टेट बता रहा है कि इसका जो टॉप के ऊपर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो कोई नॉन टर्मिनल है और बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ द स्टैक है। तो अब इस एक्स को हम मैच कर रहे हैं नेक्स्ट इनपुट टोकन के साथ। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो इनपुट टोकन्स के साथ ये एक्स मैच करे कि हमारे जो टोकन्स हैं उसके साथ, उसके अंदर भी एक्स फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो एक्स क्योंकि एक नॉन टर्मिनल है तो इसका मतलब होगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई प्रोडक्शंस अवेलेबल होंगी। तो जब वो प्रोडक्शन अवेलेबल होंगी तो इस सिनेरियो के अंदर हम फिर क्या करेंगे, हम उस एक्स को टॉप ऑफ द स्टैक से हटाकर ये जो प्रोडक्शन उसकी राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है उनको पुश कर देंगे और बाकी का स्टैक हमारे पास उसी तरीके से रहेगा। तो ये तो तब था कि अगर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे प्रोडक्शन मिली, कोई रूल्स मिले, तो हम एक्स को उधर से हटाकर तो इन प्रोडक्शंस को स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे और स्टैक को अपडेट कर देंगे इस नए वैल्यूज़ के साथ। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोई प्रोडक्शन ही नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं अगली मूव नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैक ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमारी जो पार्सिंग है वो एक एरर जनरेट करेगी और हम कहेंगे कि हम एक एरर वाली स्टेट पर चले गए, हमारे पास ऐसी कोई मूव नहीं है तो इस नॉन टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग हम ले सकें। इसी तरीके से दूसरा जो सिनेरियो बनता है कि ये इधर हमने कहा था कि एक्स कोई नॉन टर्मिनल है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो हमने सिंबल रीड कर रहे हैं वो कोई टॉप ऑफ द स्टैक पे फॉर एग्जांपल इस वक्त जो सिंबल है वो टी कोई किसी टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, इसको हम अपने इनपुट स्ट्रीम के अगले टोकन से अगर कंपेयर करें और अपने पॉइंटर को एक स्टेप आगे ले जाएं तो अब क्या हो रहा है कि या तो ये मैच करेगा, अगर ये मैच करेगा तो हम टी को स्टैक से पॉप कर देंगे, यहाँ ये वाला टी इधर से पॉप हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द स्टैक जो है उसको हम स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। तो ये तो कब हम कर रहे हैं, जब हमारा इनपुट टोकन जो है इस टर्मिनल सिंबल से जो कि स्टॉक टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ था वो मैच करता। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा नहीं है और हम कहते हैं कि ये जो टर्मिनल है ये नेक्स्ट टोकन के साथ मैच नहीं करता, तो फिर उस केस में अगेन हमारे पास क्योंकि बैक ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है तो हम कहेंगे कि हम एक एरर वाली स्टेट में हैं और हमारी पास ऐसी कोई मूव नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अगला स्टेप ले सकें, इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी है कि टी मैच नहीं कर रहा, वी आर इन एन एरर स्टेट।
ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं अपने प्रिडिक्टिव पार्सिंग के एल्गोरिथम की, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो थोड़ी देर पहले हमने लेफ्ट फैक्टर्ड एक ग्रामर बनाई थी, उसको सामने रखते हुए अगर हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग के एल्गोरिथम को इस्तेमाल करें, तो क्या ये वाली जो स्ट्रिंग है इंट स्टार इंट वाली, ये इस पार्सिंग के थ्रू एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो उस ग्रामर का अगर आपको याद हो तो स्टार सिंबल ई था, तो हमारे स्टैक के ऊपर स्टार सिंबल ई आ जाएगा, और इनपुट का जो टोकन होगा, जो इनपुट के अंदर एल्गोरिथम में हमने जो नेक्स्ट का एक पॉइंटर स्टार्ट किया था, वो इस वक्त यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम अपने LL1 टेबल को देखें, तो वहाँ पे ई जो कॉलम था और इनपुट पॉइंटर्स के अंदर जो इंट वाला जो सेल था या रो थी टॉप के ऊपर, उनकी इंटरसेक्शन पे जब आप तलाश करेंगे तो आपको TX की वैल्यू मिलेगी। तो मैं अपना जो पार्स ट्री है उसको इनिशियलाइज करा सकता हूँ ई, और उसकी ब्रांचेस के अंदर आ जाएंगे टी और एक्स। और ये क्योंकि अब मैंने इसको अपने प्रिडिक्टिव पार्सिंग के एल्गोरिथम के अंदर भी इसको, क्योंकि उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जब मेरे पास नॉन टर्मिनल आता है टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन मिलती है जो कि इस केस में टी एक्स है, तो फिर मेरा इनपुट पॉइंटर मूव नहीं करता और मैं इस टी एक्स को स्टैक के अंदर पुश करता हूँ, लेकिन ई को पॉप करने के बाद। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे स्टैक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि ई यहाँ से रिमूव हो जाएगा और टी एक्स जो है वो यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टैक के ऊपर इस वक्त जो कंटेंट्स पड़े हैं वो टी एक्स और डॉलर पड़ा हुआ है, और मेरी इनपुट जो पॉइंटर है वो स्टिल इस वक्त इस जगह पे पॉइंट कर रहा है इंट के ऊपर। तो अब मैंने देखना क्या है कि मैं अगेन चेक करूंगा कि लेफ्ट मोस्ट इस वक्त मेरे पास टी मौजूद है और इनपुट पॉइंटर इज़ ऑन इंट, तो मैं ये अपने LL1 टेबल के अंदर तलाश करूंगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एंट्री क्या है। तो LL1 टेबल के अंदर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो इंट वाई की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस ट्री को एक्सटेंड कर सकता हूँ इंट और वाई के साथ। तो इसी तरीके से ये मेरा अगला एक्शन बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि ट्री हमारा एक्सटेंड हो गया इंट वाई के साथ, और इस टेबल के अंदर ये जो इस वक्त हम उसको ड्राई रन कर रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट एक्शन है वो इंट वाई है। अब अगेन अगर आप अपनी ग्रामर को देखें तो टी जो हमारे पास है, दिस इज़ अ नॉन टर्मिनल सिंबल। इसका मतलब जो एल्गोरिथम का जो पहला पार्ट था जहाँ पे हम देखते थे कि अगर हमारा जो अगला जो सिंबल है जिसको हम रीड कर रहे हैं वो अगर नॉन टर्मिनल है स्टैक के ऊपर, तो फिर हम देखते हैं कि क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई प्रोडक्शन मिल रही है। अगर प्रोडक्शन मिल रही है तो फिर हम इस सिंबल को स्टैक से पॉप करके उस प्रोडक्शन जो हमें मिली, जो वैल्यूज वहां पे मिली, उनको हम स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं। तो अब आप नोट करें कि हमारा जो ट्री है उसके जो फ्रंटियर बन रहा है इस वक्त, हमने कहा था कि स्टैक के ऊपर फ्रंटियर ऑफ द जो ट्री है वो स्टोर होगा, तो इस वक्त इनमें से कोई भी लीफ नोड अभी तक हमने प्रोसेस नहीं किया। और यहाँ पे अब एक्शंस वाली फील्ड के अंदर आप जाके देखें तो यहाँ पे इंट वाई नज़र आ रहा है, और हम ये भी तय कर चुके हैं हमारे एल्गोरिथम के स्टेप्स के मुताबिक इस टी ने पॉप होना है और इसकी जगह पे ये जो इंट वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्होंने वहाँ पे पुश होना है। जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टैक के कंटेंट्स हैं वो तब्दील होकर इंट वाई और एक्स बन चुके हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। और जब स्टैक के कंटेंट्स ये हैं डॉलर से ख़त्म हो रहे हैं, और हमारा जो इनपुट टोकन के ऊपर जो हमारा पॉइंटर नेक्स्ट है वो भी इस वक्त यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब और इंट हमें मालूम है कि हमारी ग्रामर के अंदर एक टर्मिनल सिंबल है, इसका मतलब है कि हम जो एल्गोरिथम का जो सेकंड पार्ट था जिसके अंदर हम देखते कि जब टर्मिनल जो है वो नेक्स्ट इनपुट टोकन के साथ मैच करता है टर्मिनल सिंबल या नहीं करता, तो उस वक्त हम दो काम करते थे कि अगर हमारा टर्मिनल सिंबल इनपुट टोकन के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है जो कि इस केस में इंट है, और हमारा स्टैक के ऊपर जो लेफ्ट मोस्ट
सिंबल या टॉप मोस्ट सिंबल जो पड़ा वो भी एंड है, दोनों मैच कर रहे हैं और ये टर्मिनल सिंबल हैं जिसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एल्गोरिथम फिर मज़ीद क्या काम करता है कि वो इस इनपुट पॉइंटर को एक स्टेप आगे ले जाएगा और इस टेबल में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। और दूसरा वो काम क्या करता है कि इसको टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप कर देता है, जिसकी वजह से अगला क्या हो गया, आपको ये वाली एंट्री नज़र आ रही है कि यहाँ से पॉप होने के बाद जो स्टैक के कंटेंट्स हैं वो सिर्फ वाई एक्स डॉलर की फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा इस वक्त जो प्रोसेसिंग हो रही है एल्गोरिथम की, हमारे पास जो रो है उसके अंदर हमें टॉप ऑफ द स्टैक ऊपर वाई और एक्स नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट जो इनपुट टोकन है दैट इज़ द स्टार पॉइंटर हमारा इस वक्त यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो हम लेफ्ट मोस्ट वाई कॉलम के अंदर देखेंगे वाई वाली एंट्री को, और टॉप जो रो है हमारी एल एल वन टेबल के अंदर वो स्टार वाली है। अब उसको देखेंगे तो आपको जो एंट्री वहाँ पे नज़र आएगी टेबल के अंदर वो स्टार और टी की नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं प्रोडक्शन ले सकता हूँ वो इस वक्त मैंने ये स्टार वाली प्रोडक्शन एक ले ली है, और राइट साइड पर राइट ब्रांच के अंदर मैंने एक टी वाली जो है वो प्रोडक्शन ले ली है। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है वाई और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में प्रोडक्शन मिल गई है, तो हमने अपने ट्री को एक्सटेंड कर लिया है, और इस वक्त मेरे पास जो फ्रंटियर्स के ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो ये पड़ी हैं स्टार टी और एक्स। इंट को हम पहले प्रोसेस कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टार टी जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैंने इस वाई को पॉप करा कर इस स्टार टी को स्टैक के ऊपर पुश करना है। तो उस वक्त वो एग्जैक्टली वो कन्फिग्रेशन होगी जो इस वक्त मेरे ट्री की जो फ्रंटियर है जिसको मैं स्टैक के अंदर स्टोर कराना चाह रहा हूँ वो उसको स्टोर करेगा। ओके सो अब मेरे पास जो टेबल के अंदर एंट्री इस वक्त आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि स्टार टी जो है वो वाई की जगह पुश हो गया, उसके बाद एक्स डॉलर उसी तरीके से। अब मैंने इसको प्रोसेस करना है कि लेफ्ट मोस्ट जो या टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरे स्टैक का है वो स्टार है, और मेरा इनपुट पॉइंटर इस वक्त जो है वो स्टार के ऊपर है, इनपुट टोकन जो स्टार वाली टोकन के ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं एल्गोरिथम का जो सेकंड पार्ट था जिसके अंदर स्टार क्योंकि एक टर्मिनल सिंबल है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये क्योंकि मैच कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर कि ये टर्मिनल है, इस फैक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि जब हमें टर्मिनल मिलता है तो हम अपने इनपुट पॉइंटर को आगे मूव किया करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर इस स्टेप में किया था कि इस केस में इंट से हम स्टार के ऊपर पॉइंटर ले गए, तो इंट को हमने यहाँ से सिर्फ ये शो कराने के लिए कि हमारा टर्मिनल था वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से इस स्टेप के बाद हम यहाँ से स्टार को रिमूव करेंगे और इधर से भी स्टार को पॉप करा देंगे, तो बाकी की जो इनपुट है वो टी एक्स वाली वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। तो इधर इस जगह पे हम सिर्फ अपना टर्मिनल लिख सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनल सिंबल है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्टार वाला जो टर्मिनल सिंबल था वो यहाँ से रिमूव होकर हमारे पास नई जो एंट्री आ गई वो टी एक्स वाली आ गई है। इधर से भी हमारा पॉइंटर जब अब इस वक्त इंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, और अब हमने जो देखना है कि टी और इंट वाली जो एंट्री है अपने एल एल वन टेबल के अंदर तलाश करनी है। तो टी और इंट हम पहले भी देख चुके हैं उस वक्त इस सेकेंड रो में आपको नज़र आ रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्शन उस वक्त अवेलेबल थी वो टी और वाई वाली थी, सॉरी इंट और वाई वाली थी। तो अगेन इस यही वाली एंट्री हमें एल एल वन टेबल से मिलेगी कि इस वक्त हमारा लेफ्ट मोस्ट टॉप मोस्ट सिंबल स्टैक के ऊपर टी और हमारा इनपुट टोकन नेक्स्ट जो इंट है, तो टी और इंट की इंटरसेक्शन वाली फील्ड के ऊपर हमारे पास जो एंट्री अवेलेबल है दैट इज इंट एंड वाई। तो इसका मतलब क्या, ये वाला जो मेरा टी है ट्री के अंदर इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसके मजीद दो लीव्स बना सकता हूँ, दो ब्रांचेस बना सकता हूँ, लेफ्ट मोस्ट में इंट आ जाएगा और राइट मोस्ट में वाई आ जाएगा। अब चूंकि ये नॉन टर्मिनल है, इसका मतलब जो प्रिडिक्टिव पार्सिंग का जो एल्गोरिथम का पहला जो पार्ट था इसके अंदर हम नॉन टर्मिनल्स को हैंडल कर रहे थे, हम उस स्टेप के ऊपर जाएंगे और उसमें क्या था कि इस टी को पॉप करा कर मैं यहाँ पे जो हमें प्रोडक्शन मिली है एल एल वन टेबल से एंड वाई वाली इसको मैं पुश करा दूंगा। तो अगले स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, टी पॉप हो जाएगा और एंड वाई वहाँ पर पुश हो जाएगा। तो इस अगले साल के अंदर जो एंट्री मुझे मिलेगी वो होगी int y x एंड डॉलर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त जिस रो के ऊपर हमें ये वाली है
मेरे पास एंट्री आ चुकी है इंट वाई एक्स और यहाँ पे डॉलर मिसिंग है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टैक के ऊपर जो टॉप के ऊपर चीज़ पड़ी है इंट पड़ी है, और मेरा नेक्स्ट जो इनपुट पॉइंटर जो है वो इंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो ग्रामर से हमें मालूम है कि इंट एक टर्मिनल सिंबल होता है, और जब टर्मिनल वाला सिनेरियो बनता है तो हम यहाँ पे टर्मिनल वाले फैक्ट को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। और दूसरा काम क्या करते हैं कि प्रिडिक्टिव पार्सिंग का जो एल्गोरिथम है उसके स्टेप जो टू है, जो टर्मिनल्स को हैंडल कर रहा है उसके ऊपर जाएंगे। वो क्या करता है, वो ये करता है कि इन दोनों को देखता है कि अगर ये मैच करते हैं, ये वाला इंट और ये वाला इंट अगर मैच कर रहे हैं तो फिर वो इस सिंबल को स्टैक से पॉप करा देता है और पॉइंटर को एक स्टेप आगे ले जाता है। तो अब इस इंट के बाद हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ डॉलर बच जाएगा। तो अब इस इंट को हमने स्टैक से पॉप करा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ वाई और एक्स बच गया, और इधर एक डॉलर मिसिंग है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो बाकी का क्या है, इनपुट जो हमारी थी इंट स्टार इंट वाली, वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई है। तो इस वक्त हम इस फ्लो के ऊपर हैं कि हमारा जो इनपुट है वो सारी कंज्यूम हो चुकी है, लेकिन इस वक्त हमारे पास स्टैक के ऊपर जो है वो कुछ कॉन्टेंट्स मौजूद हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इस इनपुट को मजीद कंज्यूम करते हैं या हम किसी एरर वाली स्टेट के ऊपर जाते हैं। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो हम प्रोसेस कर चुके हैं, एक डॉलर यहाँ पे मिसिंग था, उसको मैं दोबारा से लिखने लगा हूँ, इधर भी डॉलर मिसिंग है। तो अब इस वक्त मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक पे एक वाई पड़ा हुआ, और मैं इनपुट टोकन सारे जो है वो कंज्यूम कर चुका हूँ, दैट इज़ वाई वी हैव अ डॉलर हेयर। अब मैं अपने L1 टेबल के अंदर देखूंगा कि वाई और इस डॉलर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या एंट्री है। तो उधर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक एप्सिलॉन का सिंबल नज़र आए। अब क्योंकि वाई एक नॉन टर्मिनल है, तो इसका मतलब है कि हम एल्गोरिथम प्रिडिक्टिव पार्सिंग का जो पहला एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप है उसके ऊपर जाएंगे। वो हमें क्या कहता है कि जो भी आपकी प्रोडक्शन है आप वो स्टैक के ऊपर पुश करेंगे आफ्टर रिमूविंग द नॉन टर्मिनल सिंबल वाई। तो अब क्योंकि नल स्ट्रिंग है, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स अ नल स्ट्रिंग, दैट इज़ वाई वी विल रिमूव वाई एंड पुश दिस एप्सिलॉन ऑन टू द स्टैक, और वो इट इज़ जस्ट लाइक दिस, एप्सिलॉन इज जस्ट अ नल स्ट्रिंग सो इट डजेंट हैव एनी इफेक्ट। इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक एक्स बच जाएगा और साथ में एक डॉलर बच जाएगा इनपुट टोकन वाले पार्ट के अंदर। तो इसी तरीके से हमने इस अपने फ्रंटियर्स इस वक्त क्या हैं, वो ये एप्सिलॉन भी हमने प्रोसेस कर लिया, तो हमारे पास सिर्फ ये एक्स के बाद वाला ई जो है अगले स्टेज के ऊपर आ रहा है उसके बाद हम करेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक्स और डॉलर वाली एंट्री को तलाश करें अपने L1 टेबल के अंदर, तो वहाँ भी आपको एक एप्सिलॉन नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले ट्री को हम इधर एक्स और एप्सिलॉन के साथ एक्सटेंड करें, और वाई और ई को भी मैंने एप्सिलॉन से एक्सटेंड कर लिया। अब क्या होगा कि इस एप्सिलॉन के बाद जब मैं इस एक्स भी एक नॉन टर्मिनल है, तो मैं प्रिडिक्टिव पार्सिंग के पहले एल्गोरिथम के पहले पार्ट में जाऊंगा। वहाँ पे क्या वो बताता है कि जो भी प्रोडक्शन अवेलेबल थी हम उसको स्टैक के ऊपर पुश करेंगे आफ्टर पॉपिंग द नॉन टर्मिनल। तो हम एक्स को पॉप करेंगे और एप्सिलॉन को वहाँ पे पुश करेंगे, तो एप्सिलॉन इज जस्ट द नल स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ डॉलर बच जाएगा, इधर भी हमारे पास डॉलर है। और जब ऐसा सिनेरियो आता है कि मेरे पास स्टैक के ऊपर भी टॉप ऑफ द स्टैक पे भी या बॉट डॉलर आ गया और इनपुट टोकन्स की कभी एंड हो गया, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉलर, देन आई कैन से दैट दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू दिस पार्सिंग टेक्निक।